हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरे डाइट प्लान का है पांचवा दिन और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम। और आज मेरे ब्रेकफास्ट के मेन्यू में है फ्रूट जूस, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं फ्रूट जूस। हेल्दी फ्रूट जूस बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ वाटरमेलन, एक खीरा और अनार। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आप इन सबको ब्लेंडिंग जार में डाल के पीस लें। हम जूस में ना ही सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही शुगर का। आप इसे छान के ना पिए, छानने से सारे फाइबर्स निकल जाते हैं। अब आप इसे किसी ग्लास जार में निकाल लें। तो ये लीजिए गाइज, आपका टेस्टी और हेल्दी वाला जूस बिल्कुल तैयार है। गाइज, ये जूस तो एकदम फटाफट से बन गया और हेल्दी तो है ही, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो ब्रेकफास्ट या लंच कभी भी। सिर्फ डिनर में आप जूस का इस्तेमाल ना करें, आप डिनर में सूप ले सकते हो बट जूस नहीं, तो आप ब्रेकफास्ट या लंच आप इसे कभी भी ले सकते हो। ओके, मैं पीती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे लंच पे, टाटा। तो हे गाइस, अभी हो रहा है लंच का टाइम और आज मेरे लंच के मेन्यू में है किनवा पुलाव। तो चलिए हम बनाते हैं किनवा पुलाव, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। किनवा पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ हाफ कप किनवा ले रही हूँ। इसे मैंने एक घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। फिर मैं यहाँ वेजीज में एक बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 लेमन, एक टमाटर, हाफ कैप्सिकम, हाफ कैरेट और एक ग्रीन चिली और थोड़े से मटर ले रही हूँ। अब आप कढ़ाई गैस पर चढ़ा दे और उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल दे। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से कढ़ाई में फैला दे। ऐसा करने से सब्जियाँ कढ़ाई में चिपकती नहीं है। अब आप इसमें जीरा डाल दे, फिर इसमें आप हरी मिर्च और प्याज डाल के 2 मिनट फ्राई कर ले। अब आप इसमें सारे वेजीज डाल के इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर ले। अब आप इसमें नमक स्वादानुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे। फिर आप इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर ले। अब आप किनवा को सब्जियों के साथ मिक्स कर ले और इसमें पानी डाल के इसे पका ले। मैं यहाँ जितना किनवा ली थी उससे 4th टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ। अब आप इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पका लें। यहाँ किनवा अच्छे से पक चुका है बट थोड़ा पानी रह गया, तो मैं यहाँ ढक्कन हटा के इसे थोड़ी देर और मिला लूँगी। अब आप इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी घी डाल दें और फिर इसको चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 लेमन स्क्वीज कर लूँगी। ये लीजिए, आपका टेस्टी किनवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए गाइस, किनवा पुलाव बिल्कुल तैयार है और गाइस ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। गाइस आप इसे जरूर ट्राई करना, ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है, तो आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में जरूर शामिल करें। ओके गाइज, मैं आपको मिलती हूँ डिनर पे। तो हे गाइज, अभी हो रहा है डिनर का टाइम और आज मेरे डिनर के मेन्यू में है पनीर सैंडविच, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम बनाते हैं फटाफट से पनीर सैंडविच। पनीर सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पनीर के कुछ स्लाइसेस, थोड़ा सा खीरा, अनियन और टोमेटो ले रही हूँ और मैं यहाँ आटा का ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पनीर को सौते कर लूंगी। तवे पे आप थोड़ा घी लगा ले और पनीर के स्लाइसेस को रख के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक ले। अब मैं ब्रेड में अनियन, खीरा, टोमेटो और पनीर, इन सबको अच्छे से डेकोरेट कर लूंगी। फिर आप इसमें थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल कर ले। अब आप एक और ब्रेड ऊपर से रख दे और थोड़ा घी लगा के इसे सेक ले। मेरे पास ये सैंडविच मेकर है, अब आप इसमें पैक कर ले और इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक ले। ये देखिए, सैंडविच कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल ले और नाइफ की मदद से इसे कट कर ले। तो
तो ये लीजिए गाइस, आपका हेल्दी और टेस्टी वाला सैंडविच बिल्कुल तैयार है। मस्त बना है गाइस, बहुत मस्त बना है। आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरे रेसिपीज आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलो मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे दूसरे डाइट प्लान के साथ। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है प्लीज गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।